बुधवार की रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आष्टा के ग्राम गवाखेड़ा निवासी वीर सपूत लोकेंद्र सिंह ठाकुर शहीद हो गए। लोकेंद्र 4 साल से भारतीय सेना में थे। लोकेंद्र के शहीद होने की खबर लगी तो गांव में मातम सा छा गया। लोकेंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। लोकेंद्र के माता पिता और पत्नी को जब से उनके शहीद होने की खबर लगी तो सभी का रो रो कर बुरा हाल है। लोकेंद्र का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके गांव गवाखेड़ा पहुंचेगा। यहां पर राजकीय सम्मान के साथ लोकेंद्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं बजरंग सेना जिलाध्यक्ष राजन सिंह ठाकुर भी लोकेंद्र के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि शहीद की याद में यहां उनकी प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। माँ भारती के लाल लोकेंद्र सिंह ठाकुर ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण दिए हैं, प्राणों को बलिदान किया है। मैं उनको सत सत वंदन अभिनंदन करता हूं और अश्रुपित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बजरंग सेना परिवार जिला सीहोर जिलाध्यक्ष सुखनाथ होने के नाते ये भी हमारी टीम के ही साथी है। विशाल सिंह जी ठाकुर ग्राम समिति के अध्यक्ष हैं। मुझे जैसे इस चीज़ का आशय का मालूम पड़ा मैं तुरंत यहाँ पर उपस्थित हुआ। मैं लोकेंद्र सिंह जी को सत सत प्रणाम। आतंकवादियों का सिस्टम था उसमें लोग घर चल रही थी। अच्छा अकेले ही इधर एक ही लड़का था। कितनी बहनें थी? बहन नहीं, एक ही लड़का था। आष्टा से EMS TV के लिए दिनेश पवार की रिपोर्ट।